हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। जैसे कि हम जानते हैं, आज थे 27 तारीख और मैंने आपको बताया था कि आज आपकी सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की जो गाइडलाइंस के खिलाफ जो हमारे पिटिशंस फाइल हुए थे उनके ऊपर आज हायरिंग है। तो फ्रेंड्स, हायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या बातचीत हुई और आप सबकी क्या एक गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए और आप सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या और हमारे जो वकील हैं जो आपकी ये केस को हमारे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ पता चलने वाले हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिस आई है यूजीसी की फाइनल ईयर की एग्जाम्स की जो अगली हायरिंग है वो 31 जुलाई को है, ठीक है। और इस पे जितने भी सारे हमारे जो पिटिशंस थे और हमारे जो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स केस किए थे यूजीसी के खिलाफ, सारे ही जो आज उसके ऊपर सुनवाई थी, ठीक है। और अगले सुनवाई में क्या होने वाले हैं वो नेक्स्ट डेट पे हम सभी को पता चलने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस बीच में रियल हीरो इसमें कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, आलोक श्रीवास्तव जी जो हमारे यूजीसी के खिलाफ जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे कोर्ट में आप सबकी इस विषय में फाइट कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट इनिशियली फिक्स्ड आवर यूजीसी केसेस फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑन 10th अगस्त। यूजीसी फ्रेंड्स 10 अगस्त तक टाइम मांगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हमारे जो इस केस की वकील हैं वो बोले नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बोले हमें जल्द से जल्द रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द एक सुनवाई चाहिए, इतनी देर हम वेट नहीं करेंगे। तो ये जो यहाँ पर क्या बोले, देखिए, बट आई रिक्वेस्ट फॉर द आइदर स्टे द एग्जाम और हायर इट अर्जेंटली इन दिस वीक इट्सेल्फ। तो फ्रेंड्स हमारे जो वकील हैं वो डायरेक्टली यही बताएं कि एग्ज़ाम्स को स्टे कर दीजिए या जल्द से जल्द इसी वीक में आप हमें इस जो विषय पे एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑन माय रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट हैज़ पोस्टपोन्ड इट फिक्स्ड ऑन द 31st जुलाई। तो हमारे जो वकील हैं वो 31st जुलाई को जो डेट है वो फिक्स्ड कर दिए डेट को। आप हम सबको 10th अगस्त तक नहीं वेट करना होगा, 31st जुलाई को आपकी जो भी गाइडलाइंस हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स की वो आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है हमारे ये जो वकील हैं आलोक श्रीवास्तव जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स के लिए इतना वो कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो बाय दिस वीक आपकी जो भी फाइनल डिसीजंस होंगे एक अच्छा न्यूज़ आप तक ज़रूर हम सबको मिलेगा गाइस, ठीक है। के साथ साथ फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हमारे जो वकील हैं, डियर फ्रेंड्स आई एम ग्लैड टू शेयर दैट नोटिस सुप्रीम कोर्ट एडमिटेड आवर पिटीशन। इसके साथ साथ फ्रेंड जो पिटीशंस थे हमारे, दो पिटीशंस थे, ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और विद इन 3 दिन के अंदर हमें इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, जैसे कि 31st यानी इस वीक को फ्राइडे को, ठीक है। देयर आफ्टर वी विल फाइल एंड रिजॉइन द मैटर विल बी फाइनली हर्ड ऑन कमिंग फ्राइडे। तो फिर जो भी डिसीजंस होंगे हमारे 31st जुलाई यानी फ्राइडे को आ जाएंगे, ठीक है। आप सभी फाइनल के स्टूडेंट्स जो भी आप नर्व थे इतना क्या होने वाले हैं, जो पिटिशंस दो फाइल हुए थे वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब यूजीसी के पास 3 दिन की टाइम है, अब हमें 3 दिन के अंदर यूजीसी को जो है रिप्रेजेंट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये गुड न्यूज़ थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब बस 2 या 3 दिन वेट कर लीजिए, 31st को जो भी डिसीजन होंगे मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ सुनाने के लिए ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।